मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में भले ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि जय एक एनिमेटेड मूवी है, सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को वॉइस दी है, एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है, वो वॉइस दी है कुमेल नांजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन माइकल के ने एंड आकवाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में हैं, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वैन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ बख्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नियंत्रित्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वेन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डैक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक बख्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डैक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंछी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डैक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डैक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंछियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डैक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंछियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डैक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है, जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डैक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं, जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड बख्त परिवार से मिलते हैं, जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है, जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है, जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मालार्ड को वॉइस दी है, जो कि पाम का हस्बैंड होता है। एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पैम मलार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आक्वाफिना ने जंप के करैक्टर को वॉइस दी है एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि जय एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को वॉइस दी है एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है, वो वॉइस दी है कुमेल नांजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन माइकल के ने एंड आक्वाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में, न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मैलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में है, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वैन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ बख्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नेतृत्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वैन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक बख्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डेक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंछी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डेक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डेक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंछियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डेक्स और ग्वैन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंछियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है, जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डेक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं, जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड भक्त परिवार से मिलते हैं जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मलार्ड को वॉइस दी है जो कि पाम का हस्बैंड होता है, एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मलार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन-माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आक्वाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है, एंड कैरोल केन ने एरिन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7/10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि यह एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को वॉइस दी है, एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है वो वॉइस दी है कुमेल नानजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन-माइकल के ने एंड आक्वाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट $72 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $276.8 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वेन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में हैं, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वेन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ भक्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नेतृत्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वेन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक भक्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डेक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंक्षी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डेक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डेक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंक्षियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डेक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंक्षियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैंक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं। वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डेक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड भक्त परिवार से मिलते हैं जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है इस मूवी का, स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मालार्ड को वॉइस दी है जो कि पाम का हस्बैंड होता है। एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मालार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आकवाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है। एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7/10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में भले ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में। एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि यह एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को वॉइस दी है एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है वो वॉइस दी है कुमेल नानजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन माइकल के ने एंड आकवाफिना ने डैनी डेविटो ने एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को, क्रिश्चियन गाजाल ने म्यूज़िक किया है, जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में है, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वैन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ भक्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नियंत्रित्व उर्ग चंप कर रहा है, लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यपूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वैन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक भक्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डेक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंक्षी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डेक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डेक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंक्षियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डेक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंक्षियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है, जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डेक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं, जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड भक्त परिवार से मिलते हैं, जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है, जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है, जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है, इस मूवी की यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मलार्ड को वॉइस दी है, जो कि पाम का हस्बैंड होता है। एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मलार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आकवाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है। एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब यह मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित तो हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि जय एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को वॉइस दी है एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है वो वॉइस दी है कुमेल नांजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन-माइकल के ने एंड आक्वाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में हैं, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वैन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ भक्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नियंत्रित्व उर्ग चंप कर रहा है, लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरां में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वेन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डैक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक बख्त फार्म है जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डैक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंक्षी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं जहां मैक डैक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डैक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंक्षियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डैक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंक्षियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डैक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डैक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड बख्त परिवार से मिलते हैं जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मलार्ड को वॉइस दी है जो कि पाम का हस्बैंड होता है, एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मलार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आक्वाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है, एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि जय एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को वॉइस दी है, एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है, वो वॉइस दी है कुमेल नांजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन माइकल के ने एंड आकवाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में हैं, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपने झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वेन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ बख्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नियंत्रित्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वेन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक बख्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डेक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंछी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डेक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डेक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंछियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डेक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंछियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है, जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डेक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं, जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड बख्त परिवार से मिलते हैं, जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है, जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है, जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मालार्ड को वॉइस दी है, जो कि पाम का हस्बैंड होता है, एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मालार्ड का कैरेक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के कैरेक्टर को वॉइस दी है। आक्वाफिना ने चंप के कैरेक्टर को वॉइस दी है, एंड कैरोल केन ने एरन के कैरेक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में भले ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि जय एक एनिमेटेड मूवी है, सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को वॉइस दी है, एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने, और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है, वो वॉइस दी है कुमेल नानजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन माइकल के ने एंड आक्वाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में, और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मैलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वैन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में है, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डेक्स और ग्वैन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ बख्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नेतृत्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वैन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक बख्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डेक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंछी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डेक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डेक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंछियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डेक्स और ग्वैन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरां से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंछियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं, वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है, जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं। पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डैक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं, जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड भक्त परिवार से मिलते हैं जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मलार्ड को वॉइस दी है जो कि पाम का हस्बैंड होता है, एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मलार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन-माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आक्वाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है, एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी के बारे में। माइग्रेशन मूवी 2023 में भले ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवी को पसंद करते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं। सो अगर आप भी 2023 में रिलीज़ हुई माइग्रेशन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी की अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं माइग्रेशन मूवी का, एंड साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी की फुल डिटेल्ड कास्ट के बारे में, राइटर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, कास्ट एंड क्रू के बारे में, एंड बात करेंगे कि कितने बजट में माइग्रेशन मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप भी माइग्रेशन मूवी के बारे में इन डिटेल में रिव्यू जानना पसंद करते हो। साथ ही में बात करेंगे कौन से एक्टर ने, मतलब कि यह एक एनिमेटेड मूवी है सो इसमें आपको वॉइस एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से एक्टर ने किसके करैक्टर को वॉइस दी है, एंड फुल डिटेल में प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे। माइग्रेशन एक 2023 में रिलीज़ हुई अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा एंड इल्यूमिनेशन द्वारा बनाई गई है। डायरेक्ट किया है इस मूवी को बेंजामिन रेनर द्वारा। बेंजामिन रेनर जो कि एक फ्रेंच के कार्टूनिस्ट, एनिमेटर एंड फिल्म मेकर हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है इस मूवी का माइक वाइट ने और स्टोरी लिखी है माइग्रेशन मूवी की माइक वाइट ने एंड बेंजामिन रेनर ने। प्रोड्यूस किया है क्रिस मेलेदांद्री ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो माइग्रेशन मूवी में लीडिंग रोल में जो वॉइस निभाई है, वो वॉइस दी है कुमेल नानजियानी ने, एलिजाबेथ बैंक्स ने, कीगन-माइकल के ने एंड आक्वाफिना ने, डैनी डेविटो ने। एडिट किया है माइग्रेशन मूवी को क्रिश्चियन गाजाल ने। म्यूज़िक किया है जोहन पॉवेल ने। प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इल्यूमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट की बात करें तो माइग्रेशन मूवी रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर 2023 में और रनिंग टाइम है 83 मिनट्स। बजट की बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन मूवी का बजट 72 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 276.8 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जो किया था। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिल जाएगा इस मूवी में आपको। यह एक चिल्ड्रन की मूवी है। सो मूसहेड तालाब में न्यू इंग्लैंड के जंगल में चिंतित मैक मेलार्ड अपने बच्चों हैंड्स और ग्वेन को बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है, जिससे उसकी पत्नी पाम काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन माल्ड्रस प्रवासी भक्तों के झुंड से मिलते हैं जो जमैका के दृश्यम में रास्ते में है, जो परिवार को दिलचस्प लगता है, लेकिन मैक ने उन्हें इसमें शामिल होने को मना कर दिया। पाम मैक से कहता है कि उसे अपने बाहर की दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलनी होगी। उस रात मैक अपने बूढ़े अंकल डैन से बात करता है जो तालाब छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अंकल डैन मैक को अपने रुख का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं और वह अपने परिवार को पलायन करने देने का फैसला करते हैं। ग्वैन के कहने पर अंकल डैन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह अंत दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चले जाते हैं। तूफान के दौरान वह एक बोर्डवॉक के नीचे एक दलदल में आश्रय लेते हैं, जहां उनका सामना एरिन नाम के एक पागल बुजुर्ग ग्रेट ब्लू हॉर्न से होता है, जो उन्हें अपने और अपने पति हैरी के साथ रात बिताने के लिए अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अपने डरावने संभाव के बावजूद एरिन ने डैक्स और ग्वेन को कैटफिश से बचाकर अपने अच्छे इरादे को साबित किया। अगले दिन माल्ड्रस न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जहां अंकल डैन पिछड़ जाते हैं और कबूतरों के झुंड के साथ भक्तों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसका नेतृत्व उर्ग चंप कर रहा है। लेकिन पाम का उग स्वरमान उन्हें चंप की कृपा में डाल देता है। चंप उन्हें अपने दोस्त डेलरॉय के पास ले जाती है, जो एक स्कारलेट मैका है जो जमैका से है, लेकिन एक मानव शेफ द्वारा पिंजरे में कैद रहता है जो उसका मालिक है। डेलरॉय को आज़ाद कराने की चाहत में मैक और पाम उसके पिंजरे की चाबी हासिल करने के लिए उस रेस्तरा में घूम जाते हैं जहां शेफ काम करता है। मनुष्यों से बचने के बाद वह चाबी प्राप्त करते और डेलरॉय को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कृत्यापूर्वक उन्हें जमैका ले जाता है। जबकि ग्वेन बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है, मैक को पैकिनस से भरे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिलता है। समूह आनंद लेना शुरू कर देता है, लेकिन डैक्स को जल्द ही पता चलता है कि पूरी जगह एक भक्त फार्म है, जिसका पहले का शेफ उनके ग्राहकों में से एक है। डैक्स पैकिनस और उसके परिवार को खेत से भागने में मदद करता है, लेकिन शेफ द्वारा कदम रखने के बाद उसके पंख उड़ जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। पंक्षी एक रिसॉर्ट में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां मैक डैक्स को उसके लापरवाह कार्यों के लिए डांटता है, जिससे डैक्स काफ़ी हताशा हो जाता है। शेफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंक्षियों को ढूंढता है और उन्हें जाल में फंसाता है, जबकि डैक्स और ग्वेन छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर शेफ ने बदला लेने के लिए पहले मैक और पाम को मारने की योजना बनाई, जिससे पाम को निराशा हुई। केवल मैक को अपना उत्साह बढ़ाने के लिए रेस्तरा से सीखे गए सालसा नियंत्र का उपयोग करते हुए वह पंक्षियों को छोड़ने के लिए एक बटन दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। इस बिंदु पर डेलरॉय ने आखिरकार बहुत कुछ कर लिया और उसने अंकल डैन और पैकिनस ने शेफ पर तब तक फल और सब्जियों फेंकी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। एक बटन मारा जिससे हेलीकॉप्टर उसे बाहर गिरा देता है और वह जाल में फंस जाता है। साथ ही पाम और मैंक अभी भी अपने पिंजरे में फंसे हुए हैं। वह अपने बच्चों द्वारा बचाए और मुक्त किए गए हैं। डेक्स ने कुछ पंखों का उपयोग करके अपने पंखों को ठीक किया है जो शेफ द्वारा उन्हें ले जाते हैं पर खो गए थे। दोनों पिता पुत्र चुपचाप सुलह कर लेते हैं। अब डेक्स के नेतृत्व में पंक्षी जमैका पहुंचते हैं जहां डेलरॉय अपनी तरह के लोगों के साथ फिर से मिलते हैं और मलार्ड भक्त परिवार से मिलते हैं जो पहले उनके तालाब में आए थे। अगले बसंत में परिवार घर की ओर जाने वाला है जब मैक उन्हें खोए हुए पेंगुइनों का एक समूह दिखाता है जिन्हें दक्षिण ध्रुव पर जाने की ज़रूरत है और उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सो यह एक प्लॉट है, इस मूवी का स्टोरी है इस मूवी की कि यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि कौन से वॉइस एक्टर ने किसके करैक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सबसे पहले लीडिंग रोल में कुमेल नानजियानी ने मैक मालार्ड को वॉइस दी है जो कि पाम का हस्बैंड होता है। एंड एलिजाबेथ बैंक्स ने पाम मालार्ड का करैक्टर को वॉइस दी है। कीगन माइकल के ने डेलरॉय के करैक्टर को वॉइस दी है। आकवाफिना ने चंप के करैक्टर को वॉइस दी है। एंड कैरोल केन ने एरन के करैक्टर को वॉइस दी है। सो यह है इस मूवी की डिटेल्स अबाउट कास्ट एंड क्रू मेंबर्स, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑल अबाउट इट्स प्लॉट एंड अदर डिटेल्स। सो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी है। जब ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो। सो माइग्रेशन मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, Z5 पर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 out of 10 का रेटिंग मिला हुआ है। सो काफ़ी पसंद आपको आएगा, ज़रूर से देख लेना। आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें।